हेलो मित्रों, वेलकम टू स्वीट एंड स्पाइसी कसिन। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ झटपट से बनने वाले लेमन राइस यानी कि नींबू वाले चावल की रेसिपी, जिसे बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई में एक चम्मच तेल लिया है। तेल हल्का गर्म हो उसके बाद आधे चम्मच सरसों की दाने डाल देंगे। उसके बाद एक चम्मच चना दाल और एक चम्मच उड़द दाल डाल लेंगे। दाल को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, जिससे दाल क्रिस्पी हो जाएगी और बहुत अच्छी लगेगी। मूंगफली के दाने डाल देंगे। मूंगफली को अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। अब एक लाल सूखी मिर्च और दो कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। अब इस समय पर मुझे थोड़ा तेल कम लग रहा है, तो मैं आधी चम्मच तेल डाल रही हूँ। आठ दस कड़ी पत्ती डाल देंगे। अब आधी चम्मच हल्दी पाउडर और आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब एक कप पके हुए चावल डाल देंगे। मैंने चावल को पकाते समय उसमें नमक डाला था, इसलिए मैंने यहाँ पे नमक नहीं डाला। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक चम्मच नींबू का रस डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लेमन राइस सर्व करने के लिए तैयार है। रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।